हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाओ मम्मी। आज हम बना रहे लॉलीपॉप दो प्याज़ा। आपने लॉलीपॉप बहुत फ्राई करके खाए होंगे, एक बार इस तरीके से भी बना के देखिए। ये कैसे बनता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे चिकन हमने अच्छे से वॉश कर लिए और इसे नमक लगा के हमें स्ट्रेनर में रखना है। और मीनवाइल हम हमारा मसाला रेडी करेंगे। मसाला बनाने के लिए हमने ये दही ले लिया है, ये 1.5 किलो दही है। आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले दही में हम बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। आपको जितना टेस्ट अच्छा लगता है मिर्ची का उतना आप डालिए, थोड़ा एक्स्ट्रा डालिए क्योंकि हम रेड चिली पाउडर नहीं डालेंगे इसमें। हम एक बर्तन में तेल गरम करेंगे। जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें आलू फ्राई कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। इसे मीडियम गैस पे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ये हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो गए, अब हम इसे निकाल लेंगे। हम 2 चम्मच जीरा डालेंगे और थोड़े कड़ी पत्ते हैं हम वो डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये 1 किलो अनियंस है जिसे हमने स्लाइस करके कट किया है, हम वो डाल देंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारे अनियंस थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे जब तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। इसमें 1 चम्मच हम नमक डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे अनियंस अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच भर के हम जिंजर गार्लिक डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने ये 3 टमाटर चॉप कर लिए, अब हम वो डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे टमाटर जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाते हम इसे अच्छे से पका लेंगे। हमने इसे कवर करके थोड़ी देर पका लिया है। अब हमारे टमाटोज सॉफ्ट हो गए। आपको अच्छे से भुनना है इस तरीके से। और जो थोड़े बहुत टमाटर है उसे आप मैश कर लीजिए। अब हम मसाला एक साइड कर लेंगे। अब ये जो हमारा मैरिनेटेड चिकन है हम वो डाल देंगे एक साइड में। अब इसे हम अच्छे से भुनेंगे। आपको जो ये अनियंस और टमाटर का जो मसाला है वो इसके ऊपर डाल देना है और इसे फास्ट गैस पे आपको पकाना है बिना कवर करे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे अच्छे से मैरिनेट किए हैं तो चिकन को गलने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। आप इस तरीके से एकदम फास्ट गैस पे इसे पकाइए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 बाउल भर के कोथमीर डाल देंगे इसमें। कोथमीर की बहुत अच्छी खुशबू आती है और हमने इसमें कड़ी पत्ता भी यूज़ किया है। आप इस तरीके से ज़रूर एक बार बनाइए। आप लॉलीपॉप भी ले सकते हैं या तो फिर चिकन भी ले सकते हैं। हमेशा चिकन लॉलीपॉप फ्राई खा के अगर आपके बच्चे थक गए तो आप ये नया वर्जन ट्राई कर सकते हैं। चिकन लॉलीपॉप 2 प्याज़ आप ट्राई कर सकते हैं। बस अभी आपको इसे फास्ट गैस पे ही पकाना है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग रहा होगा अनियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मसाला एकदम परफेक्ट हो जाता है। इस मोमेंट पे आप नमक और मिर्ची दोनों चेक कर लीजिए। ये हमारे दही का पानी पूरा सूख गया है, ये एकदम ड्राई हो गया मसाला। आपको फास्ट गैस रख के पूरा पानी सुखा लेना है दही का। हम हमारे फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे। ये हमारे फ्राई किए हुए आलू हमने इसमें डाल दिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये हमारा चिकन लॉलीपॉप 2 प्याज़ा रेडी हो गया है। ये बहुत टेस्टी बनता है, आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।